भाइयों बहनों जेशु, मैं रोजलिन दास आज फिर आप सबों के सामने ईश्वर के अनुग्रह से ईश्वर की महिमा के लिए और आप सबों के प्रोत्साहन के लिए आज जो मैंने विषय लिया है भाइयों बहनों वो है पश्चाताप और आशीष, जिसके लिए मैंने लिया है मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 15 और उसका पंक्ति क्रमांक 21 से 27। और देखो उस देश से एक कनानी स्त्री निकली और चिल्लाकर कहने लगी, हे प्रभु दाऊद की संतान मुझ पर दया कर, मेरी बेटी को दुष्ट आत्मा बहुत सता रहा है। एक कनानी स्त्री पुत्री की चंगाई के लिए प्रभु यीशु मसीह से विनती करती है, परंतु प्रभु यीशु मसीह उसकी विनती को अनसुना कर देते हैं। वह स्त्री बार बार जोर से चिल्लाने लगती है, उसके चिल्लाने में हठधर्मिता और चिड़चिड़ाहट का भाव प्रकट हो रहा था। तब चेले प्रभु से कहते हैं कि इसे विदा कर, क्योंकि यह हमारे पीछे अजीब ढंग से अधिकार के साथ चिल्लाती हुई आ रही है। तब प्रभु उसकी हर धर्मिता और चिल्लाने के ढंग को देखकर कहते हैं कि मैं इसराइल के घराने की खोई हुई भेड़ों को छोड़ और किसी के पास नहीं भेजा गया। तब वह प्रभु के पास आकर प्रणाम करती है और कुछ शिकायत एवं क्रोध भरे हुए भाव से भरकर कहती है कि हे प्रभु तू सबकी सहायता करता है, मेरी भी सहायता कर। तब प्रभु उसके मांगने के ढंग को देखकर चौंकाने वाला उत्तर देते हैं कि बालकों की रोटी कुत्तों के आगे डालना अच्छा नहीं है। तब वह स्त्री यीशु के उत्तर को सुनने के बाद अपने आपे में आती है और आत्म मूल्यांकन करती है। वह महसूस करती है कि वास्तव में उसके स्वभाव में और जीवन में क्रोध, ईर्ष्या, जलन, कुड़कुड़ाहट, हठधर्मिता वाले गुण हैं, जो कि कुत्तों के स्वभाव में पाए जाते हैं, जिसके कारण वह प्रभु से आशीष पाने से वंचित रह गई। तब वह अपने पतित स्वभाव दुर्गुणों से पश्चाताप करती हुई प्रभु से कहती है, प्रभु तूने मुझे सही जांचा, मेरे हृदय के गुप्त पापों को जांचने वाले प्रभु तेरा आंकलन सही और सत्य है, पर कुत्ते भी मेज से गिरी वह चूर चार खाते हैं जो उसके स्वामियों के खाने के बाद गिरती है। तब प्रभु उसके पापों के अंगीकार भरे पश्चाताप को देखकर कहते हैं, हे स्त्री तेरा विश्वास बड़ा है, जैसा तू चाहती है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसी ही घड़ी उसकी बेटी चंगी हो जाती है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कई बार हम भी प्रभु के चरणों में नम्रता दीनता के साथ नहीं आते हैं। हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार, हमारा चाल चलन, हमारा सोच विचार कभी कभी पशुओं जैसा हो जाता है, जिससे हम परमेश्वर की आशीषों से वंचित रह जाते हैं। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना में जाएंगे। हे प्रभु हम अपनी दुर्बलता को जाने और उनसे मन फिराकर पश्चाताप के साथ तेरी क्षमा और आशीष प्राप्त करने वाले हो सके। आमीन। जय श्री। थैंक यू। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड।